आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अवरेश सौलत चेस्ट फिजिशियन से, जो गुना के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वर्गीय डॉक्टर अल्ताफ सौलत जी के बड़े बेटे हैं और गुना की माटी के सपूत हैं, जो भोपाल में रहकर गुना का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए उनके साथ एक मुलाकात कराते हैं डॉक्टर अवरेश सौलत से, जो कि हमारे गुना से हैं और बहुत फेमस नाम है। डॉक्टर सौलत साहब के बेटे हैं, भोपाल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आइए उनसे बात। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। कोरोना की दूसरी लहर में जो काम भोपाल में हुआ है, आप सिद्धांता हॉस्पिटल में थे, बहुत सारी हॉस्पिटल दिख रहे थे, तो क्या नज़ारा था वहाँ? देखिए डेफिनेटली कोविड बहुत जिस तरह से इस बार उसने सेकंड लहर ने हिट किया है हमारे कंट्री को, बहुत बुरे हालात से हमारी कंट्री गुजरी है और जिस तरह से लोग प्रभावित हुए थे बहुत ही हतरगी का माहौल था। बट एक समय था वो भी गुजरा एंड लेकिन काफ़ी लापरवाही हैं और काफ़ी कमियां पाई गई थी, लेकिन तब भी जिस तरह से मेडिकल सर्विसेज उठ के सामने आए, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स सामने आए और उन्होंने जिस तरह से सहयोग किया गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, तो काफ़ी अच्छा उम्मीद से बढ़ के रिस्पॉन्स आया और डेफिनेटली काफ़ी अपनों को हमने खोया है। बट जिस तरह से लोगों ने सहयोग किया, लोगों ने संयम बरता और बाकी लोगों की और मदद आई, उससे काफ़ी कंडीशन सुधरी और अभी हम कोविड से बाहर आ पाए। डॉक्टर साहब आप फेफड़े और अस्थमा के रूप में, और मेन जो संक्रमण पूरे कोरोना में फैलता है वो फेफड़ों में फैलता है, तो क्या एक प्रिकॉशन है जो शुरुआती दौर से इंसान को? देखिए कोविड बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स में ही फैलता है। हाँ, इसका लंग्स का संक्रमण जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है। ऑक्सीजन डेफिनेटली आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन की कमी जो होती है हम उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन अपना जो कोविड जिस तरह से लंग्स में आता है, इसका प्रिकॉशन बस वही है, मास्क पहन के रखिए, वो करिए। लेकिन जो खासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन लोगों को और पहले से बीपी, हार्ट की परेशानी है, एज ज़्यादा है या कुछ ऐसी बीमारियां जो थी, जो पहले से कैंसर की दवाएं ले रहे थे या जिस तरह से उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उन लोगों में काफ़ी ये चीज़ बढ़ के आई है। खासतौर से जिनको पहले से लंग्स की बीमारी थी, अस्थमा था, वो ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, एज 50 साल से ऊपर की थी, तो ये वाले टाइप के लोग जो थे, इनमें हम अभी भी उनको सलाह दे रहे हैं कि अभी भी अपने आप को बचा के रखें, वैक्सीनेशन जितने जल्दी और जल्द ले सकें, मास्क पहने, क्राउड वाले एरियाओं से ना जाएं। और जैसे हम बोलते हैं कि अभी इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा लें, एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ाना एक बहुत ही सिंगल सिंपल स्टेप नहीं है कि अपन ने चार गोली खाई और अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाए। उनको एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा, अच्छा टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, अपना आहार अच्छे से लेना पड़ेगा। और ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ये दो दिन में ठीक होने वाली नहीं है। तो जहाँ पे अपन को बात आती है कि किस चीज़ का प्रिकॉशन है, तो प्रिकॉशन वही है जो हर तरह सब लोग बोल रहे हैं कि आप मास्क पहन के रखिए, लोगों से दूरी रखिए और क्राउड भरी वाली जगहों में ना जाए। डॉक्टर साहब बड़ी भ्रांति है लोगों में, जो लहर में हमने बहुत करीब से देखा, ऑक्सीजन का लेवल क्या होना चाहिए जब इंसान को, क्या हॉस्पिटलाइज की आवश्यकता है, जब बहुत भ्रांति बहुत है इस पूरे मामले में? देखिए बेसिकली कोविड में आपको समझाऊं, कोविड तीन तरह से प्रेजेंट करता है। कुछ लोगों में इसे बोलते हैं माइल्ड, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट और सीवियर। तो ये हमने चार चीज़ों में उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। माइल्ड वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो दो से सात दिन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें कि सिर्फ नाक बहना, छींक, हो सकता है आपको थोड़ी सांस चले, खांसी चले, कमजोरी आए, एंड मोस्ट ऑफ द ये पेशेंट जो होते हैं 9वें से 10वें दिन से रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक आता है मॉडरेट टू सीवियर, इसमें क्या होता है 3 से 4 दिन के अंदर ही पेशेंट के अंदर तेज़ बुखार और हाथ पैरों में तेज़ दर्द, सांस लेने में दिक्कत और खांसी। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है खांसी और एक है सांस चलना। खांसी ज़रूरी नहीं कि अगर पेशेंट का जब मॉडरेट केस हो उसमें खांसी हो ज़्यादा चले, आपको देखना है ऑक्सीजन का लेवल। अगर मॉडरेट केस है उसमें आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ रहा है रूम एयर पे, या फिर अगर अभी आप चल रहे हैं आपका ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो वो समय सबसे सही समय है आप जाके डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। घरेलू उपाय के लिए बिल्कुल ना जाएं, घरेलू उपाय इसमें नहीं होगा, जो इनिशियल क्रूशल टाइम रहता है जिसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो दवाएँ असर करती हैं वो देनी पड़ती हैं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। वहाँ से आपको पेशेंट के पल पल की खबर या उसका जो मॉनिटरिंग जिसे हम बोलते हैं वो रखनी पड़े, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो क्रूशल टाइम निकाल दिया तो उसमें आप परेशानी हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ना लें कि हमें ठीक हो जाएंगे दो दिन में, हम वेट करते हैं, वेट बिल्कुल ना करें। मेडिकल
एडवाइस लें। और अगर आपका सैचुरेशन स्टार्टिंग से ही फॉल होना स्टार्ट हो रहा है, भले ही आपको खांसी नहीं, जैसे आजकल नई चीज लोग बोलते हैं, साहब हमें खांसी नहीं, भले सैचुरेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन सबसे पहला परिणाम है। अगर आपको फीवर आ रहा है और ऑक्सीजन लेवल आपका 90 से नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास। तो कई बार आप भी नहीं, सिविल स्कोर में पता चलता है कि आदमी कोविड पॉजिटिव हो गया, ये एक बड़ी समस्या पिछले दिनों आई थी। देखिए ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं साहब हमें कोई सिम्टम नहीं है, बट हमारे लंग्स में पूरे कोविड के लक्षण आए हैं। देखिए दो तरह की चीज़ें, एक तो वैक्सीनेशन एक पूरा वायरस है जो कि आपके लंग्स में इन्फेक्ट, पूरी बॉडी पे इन्फेक्ट करेगा जब भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आएगी। तो कई बार वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लंग्स के ऊपर, भले आपका सैचुरेशन नहीं गिर रहा, आपको फीवर नहीं आ रहा, लेकिन लंग्स के ऊपर कुछ ना कुछ असर आएगा। तो इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं, जब तक आपका सैचुरेशन सही है, आपको बुखार नहीं आ रहा, तो जब तक आपको नहीं करना, डेफिनेटली डॉक्टर के पास उनसे सलाह लेते रहें, अपना मार्गदर्शन जो है उनसे लेते रहें, लेकिन अपने तरफ से उसे देख के घबराए ना। और अच्छी बात है, अगर आपका सैचुरेशन कम नहीं आ रहा, भले ही आपको कोविड पॉजिटिव है और सीटी स्कैन पे भी आपके उसमें निशान दाग आ रहे हैं, और अगर आपके सैचुरेशन कम नहीं हो रहा, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिकल उससे हो गए, हम ठीक हो गए। इसका संक्रमण काफ़ी लंबे समय तक रहता है और लंग्स की सूजन जाने में कम से कम 4 से 6 और कुछ लोगों को 8-8 हफ्ते भी लगते हैं। तो अगर आपको संक्रमण नहीं है बट सीटी पे आपके दाग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर को क्लोज रखिए, अपने आप को ऑब्जर्व करते रहिए। और बार बार सीटी कराने का उद्देश्य नहीं है, आप सीटी करा के आप अपनी बीमारी की गंभीरता को नहीं नाप सकते। बीमारी की गंभीरता नापने के लिए सबसे अच्छा जो वह है ऑक्सीजन सैचुरेशन है, बस आप उस पर ध्यान दें। ये अगर आपको मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल कम है और आपको दिक्कत नहीं हो रही, तो किस ऑक्सीजन लेवल पे आपको सही रहेगा कि आप हॉस्पिटलाइज हों उसमें? देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है कोविड में, इसको हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है आपका सैचुरेशन 80 भी रहेगा बट आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसे हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। बट सैचुरेशन 90 से नीचे आना इटसेल्फ में अपने आप में एक इंडिकेशन है कि हमें मेडिकल एडवाइस सीख करनी है। आप बिल्कुल वेट मत करें, और इसमें मेडिकल एडवाइस लेना अलग बात है, हॉस्पिटलाइज होना तो मेडिकल हॉस्पिटलाइज आपको डॉक्टर बताएगा कि आपके जो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है कि नहीं है। लोग बोलते हैं हम घर पे ऑक्सीजन लगा लेंगे हम ठीक हो जाएंगे, ऑक्सीजन लगाना कोई इलाज नहीं है। ऑक्सीजन एक टेम्प्ररी बॉडी को सपोर्ट है, जब तक बॉडी के लंग्स रिकवर नहीं हो जाते और सक्षम नहीं हो जाते ऑक्सीजन लेने के, जब तक के लिए वो एक आपका अल्टरनेटिव है, बट ऑक्सीजन लगाना खुद का इलाज नहीं है। सर एक बड़ी समस्या जो महसूस की गई, जिनके पास थोड़ा पैसा है वो सिर्फ घबराहट में इंदौर और भोपाल भाग रहे थे, और इंदौर भोपाल में बहुत स्थिति खराब थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, उसके लिए आपका क्या कहना है कि किस पोजीशन में आदमी को जाना चाहिए, क्योंकि लोग अच्छे बेहतर इलाज की दौड़ में इंदौर भोपाल जाने थे? देख इसमें पैसे की बात नहीं, बात में इसमें सर जागरूकता, जो इंसान थोड़ा जागरूक होता है तो डेफिनेटली वो चाहता है कि मेरा अच्छे से अच्छा इलाज हो। और भोपाल जाना, भले ही वहाँ पर भोपाल या इंदौर जाना, भले ही वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी डेफिनेटली अच्छी है और वो जा रहे हैं, तो उसमें आई थिंक कोई बुराई नहीं है, बिकॉज हर इंसान चाहता है कि उसे बेटर से बेटर इलाज मिले। और लेकिन अगर वहाँ, जैसे हमारे पास भी पेशेंट गुना से बहुत आए थे, काफ़ी संबंधित लोग हैं वो आए, लेकिन अगर उनको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं थी तो हम लोग नहीं किया, और उन लोगों ने भी हमारी सलाह को सराहा, भोपाल में वो रुके रहे जब तक वो टोटली अपने बुखार नहीं उतर गया, सैचुरेशन अच्छा नहीं आ गया, उन्होंने होटलों में या फिर उसमें गेस्ट हाउस में रहकर अपना इलाज कराया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर भोपाल आके बाहर अच्छी सुविधा लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपके बेटे हैं, आपके पिता ने गुना में बहुत सेवा की है, उनका बहुत नाम है, तो गुना में आपकी गुना से आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में पूरी हमें जानकारी दें, कैसे कैसे आप भोपाल जाते हैं? देखिए मैं बेसिकली जैसे भी गुना से बिलोंग करता हूँ, आपसे जानते हैं डॉक्टर अल्ताफ सौलत साहब, तो हमने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वंदना से स्टार्ट की थी, एंड वंदना के बाद फिर मैं क्राइस्ट में गया, क्राइस्ट से फिर मॉडर्न, एंड उसके बाद बारहवीं ख़त्म करके फिर मैं भोपाल गया, मैंने वहाँ से कोचिंग करी, फिर वहाँ से मैं कोटा गया, कोटा में आने से मैंने अपने कोचिंग करके मेरा महाराष्ट्र में सिलेक्शन हुआ, मैंने महाराष्ट्र धुले से अपना MBBS ख़त्म किया, एंड उसके बाद फिर मैं अपनी सर्विसेज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में दी, मैंने एम्स में भी काम किया, मैंने अपोलो हॉस्पिटल में किया, काफ़ी कुछ फील्ड थी जिसमें मैंने काफ़ी अपना मेडिकल ऑफिसरशिप करी, एक्सपीरियंस लिया, इंटर्नशिप करी वहाँ से, फिर मेरा मैंने अपने PG का एग्ज़ाम दिया और मेरे महाराष्ट्र में मैंने अपना डॉक्टर LH हीरानंदानी हॉस्पिटल पवई से अपना चेस्ट का स्पेशलाइजेशन किया, और पिछले 2 साल से फिर मैं वापस भोपाल आया,
एंड भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, सिद्धांत रेड क्रॉस हॉस्पिटल में हूँ और काफ़ी 8-9 हॉस्पिटल में विजिट करता हूँ एंड मेरी खुद की ओपीडी पीरियड भोपाल पे है। लेकिन बस जहाँ तक आप, जैसे आपने कहा कि भोपाल में पूरे पुराने तार जुड़े हुए हैं, सारे पहचान वाले दोस्त, स्कूलिंग यहाँ की है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं दिमाग में एक पॉइंट था कि नहीं यार गुना जाना चाहता हूँ, पापा का नाम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और डेफिनेटली वो होते तो वो भी यही चाहते कि वो गुना में आगे। मैंने सुना है कि अब अगले महीने से गुना अपनी विजिट शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, क्या यही मेरे एक्चुअली, जैसे मैं आपसे बोला था कि मेरी मॉम भी हमेशा से चाहती थी कि मैं गुना में प्रैक्टिस करूँ, लेकिन फैमिली के उसमें मुझे लगा भोपाल थोड़ी बेहतर जगह है, लेकिन मैं गुना डेफिनेटली मिस करता रहता हूँ। तो अगले महीने के 4 तारीख को हर अल्टरनेट संडे मैं अपनी सर्विसेज गुना में दिया करूँगा। कोशिश करूँगा कि अल्टरनेट संडे आऊँ और अगर ज़रूरत लगी तो और भी पढ़ाने की करूँगा, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है वहाँ पे भी मुझे समय देना पड़ता है ओपीडी है, उसके चलते जितना समय संभव होगा मैं ज़रूर दूंगा। इनिशियल स्टेज पे आप कहाँ बैठ रहे हैं गुना में अभी अपने सर्विस? इनिशियल स्टेज में मैं डेफिनेटली दुबई कॉलोनी में, वहाँ पे मीनाक्षी फार्मेसी की वहाँ पे चेंबर्स है, वहाँ पे आना स्टार्ट करूँगा और हर अल्टरनेट संडे 5 से 6 घंटे देने की कोशिश करूँगा और जितना लोगों की मदद कर सकूँगा डेफिनेटली उसमें मुझे खुशी होगी। ये अवेटेड जो तीसरी लहर है उसके लिए क्या प्रिकॉशन आप बोलते हैं कि लोगों को होना चाहिए? लोगों, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे बोलते हैं, तीसरी लहर आने वाली है, तो मुझे तो नहीं मालूम तीसरी लहर आने वाली है कि नहीं आने वाली, लेकिन डेफिनेटली एक वायरल इन्फेक्शन है, लौट लौट के आएगा, अपन को नहीं मालूम उसे कितनी सीवियरिटी होगी, बिकॉज समय के साथ ये जो वायरस होता है ये म्यूटेट होता है और हर म्यूटेशन के साथ एक नए कॉम्प्लिकेशन आते हैं, नए कॉम्प्लिकेशन के साथ उसकी इन्फेक्टिविटी जो रेट होती है, उसके फैलने का दर होता है वो चेंज होता है। तो पहले से अनुमान लगाना कि सिर्फ बच्चों को होगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। इवन इस जो कोविड की इनिशियल फेज में देखा था, जो मेरे पास पहले पेशेंट आए थे वो बच्चों से शुरू हुआ था, बच्चों को घर में फीवर आ रहा था बट टचवुड कोई भी ऐसा बहुत ही बड़े सिम्टम्स नहीं थे उनको, बट उसके बाद उनके घर में बाकी लोगों को सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए और सबके जांच करने पे कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये कहना कि थर्ड लेयर बच्चों की है, सीवियर है, अपन को नहीं मालूम किस तरह से म्यूटेशन होगा, किस तरह से फैलेगी, उसका संक्रमण का दर कैसा है वो डिसाइड करेगा वो कितना घातक रहेगा और उसके लिए क्या होगा। लेकिन इस बार जो सेकेंड वेव आई, आई थिंक ये इसने काफ़ी जागरूक किया लोगों को और डेफिनेटली जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं जो नई दवाएं लेके आई हैं जो हमारे पास इस टाइम उपलब्ध नहीं थी वो अब हमारे पास हैं, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ जो नई दवाएं आई हैं, खासतौर से एंटीबॉडीज आई हैं और काफ़ी टैबलेट फॉर्म में एंटीवायरस आ गए जो कि हमारे पास पहले नहीं थे, हमें पहले स्टेरॉइड से बहुत डिपेंड होना पड़ता था और स्टेरॉइड की डेफिनेटली आप अपने आप में साइड इफेक्ट हैं, तो लेकिन जब से ही नई दवाओं के बारे में ट्रायल आया है, इनके रिजल्ट सामने आए, तो डेफिनेटली बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस टाइप का संक्रमण दोबारा आता है तो हम बेहतर उसमें होंगे और बेहतर तरह से उसे लड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, इतना यंग एज में, इतने बड़े महामारी में इतना अच्छा एक्सपोजर, काम करने का इतना अच्छा माहौल, तो कैसा कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बुरा था, बिकॉज जिस तरह से पेशेंट आपके उम्र थे और जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे थे कि उनके सब रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को हम ठीक कर पाएंगे, डेफिनेटली कोई पेशेंट आपके पास आता था उस उम्मीद से आता है कि हमारे घर वालों को हम ठीक कर पाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी भीषण बीमारी मैंने आज तक सोची भी नहीं थी कि हम लोगों के उस बीच में आएगी और उसमें 100% रिजल्ट देना तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। बट आई थिंक एक चीज़ बहुत अच्छी रही मेरे पास उसमें कि मैं भोपाल के बिल्कुल सेंटर में मेरा क्लिनिक है, उसकी वजह से जो पेशेंट अप्रोच था बहुत आसान था और मैंने उसे काफ़ी आसान बना के रखा, पेशेंटों को डायरेक्ट मेरे पास मिल सकते थे वो, और सबसे बात जब पेशेंट आए तो काफ़ी मेरे आई थिंक प्लस पॉइंट ये था कि ईजी अप्रोच की वजह से पेशेंट जल्दी आ पाए और उनकी बीमारी जल्दी पकड़ाई में आई और जल्दी कंट्रोल में, आई थिंक यही एक रीज़न था कि आई थिंक मेरे पेशेंट ज़्यादा बेहतर तरह से ठीक हो पाए और सीवियरिटी सुबह में जा पाए। और इवन जो हॉस्पिटल जिस यहाँ पे मैं हूँ, आसपास हॉस्पिटल का इतना अच्छा नेटवर्क था, आई थिंक टाइम पे एडमिट करना, टाइम पे मेडिकेशन सही तरह से, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बॉम्बे से मैंने अपना पीजी करा है और मेरे काफ़ी जो सीनियर्स हैं बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ फॉरन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ हमेशा स्टार्टिंग से करी कि मैं सबसे डिस्कस करके जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मैं अपने पेशेंट को दे पाऊँ, मैंने वो लाने की कोशिश करी, आई थिंक वही रीज़न था मेरे पेशेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये तो बात है, एक्सपोजर तो मिला ही है, नो डाउट आप, क्योंकि अनुभव तो बहुत सारा, इतनी बड़ी महामारी अपनी लाइफ में कभी आएगी ऐसी उम्मीद मुझे लगती नहीं है कि आना भी नहीं चाहिए भगवान कृपा से, तो उस हिसाब से तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस था और इस तरह की बीमारी जो इतने मल्टीपल ऑर्गन्स को एक बार में
और वो कह सके बॉडी के पूरे इम्यूनिटी को गिरा दे, ऐसी बीमारी हमने कभी सोची नहीं, कहीं देखी नहीं थी, उसको मैनेज करना जबकि पहले से कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो नहीं है, उसको मैनेज करना जीरो लेवल से पेशेंट को देख के, और हर पेशेंट अलग होता है, किसी पेशेंट्स में कुछ मेडिसिन ने असर किया, किसी पर नहीं किया, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए करना तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर डेफिनेटली अच्छा था, और ऊपर रही शुगर से अपन तो उसमें काफ़ी कंट्रोल पा पाए। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अवरेज सोलत, 36-37 साल की उम्र में इतना बड़ा एक्सपीरियंस उन्होंने प्राप्त किया। निश्चित रूप से गुनाह के बेटे हैं और गुनाह को उनके फेफड़ों और अन्य रोगों में जो उनको एक्सपर्टीज है उसमें फायदा मिलेगा भविष्य में। उनको हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।